ग्रीन पार्क कॉलोनी के रहवासी हो रहे हैं परेशान। ग्रीन पार्क कॉलोनी के रहवासी यहाँ लगे हुए लकड़ियों के बड़े बड़े ढेर से काफी परेशान हैं। साथ ही यहाँ पर मन स्पेशल हॉस्पिटल है जिसके ठीक सामने ही लकड़ियों का काफी बड़ा ढेर पड़ा हुआ है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया कि लकड़ियों के ढेर के कारण हम काफी परेशान हैं। इनमें कई जहरीले जीव जंतु भी कभी भी निकल आते हैं। साथ ही साथ यहाँ आने वाले मरीजों एवं उनके परिजन वहीं लकड़ियों के आसपास बैठ जाते हैं जिसके कारण इन जहरीले जीव जंतुओं के कारण कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस संबंध में हॉस्पिटल वालों ने काफी शिकायतें भी की हैं। साथ ही लकड़ियों के मालिक से भी बोला है एवं कैंट थाने में भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इस समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। साथ ही साथ वहां रहने वाले रहवासियों का कहना है कि ये कॉलोनी अब रहवासी क्षेत्र में बदलती जा रही है, लेकिन ये लकड़ियों का ढेर हमारे और हमारे बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। मुझे विगत 4 वर्षों से हम लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं और आए दिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या इन लकड़ियों के कारण हो रही है। ये जो लकड़ियाँ आप देख रहे हैं भैया, ये पूरे इसमें आगे पीछे इस तरफ और सामने की तरफ हॉस्पिटल की तरफ पूरी तरफ लकड़ियाँ फैली हुई हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, इसमें से रोज कोई ना कोई जानवर, जहरीले जानवर निकल रहे हैं, जिस तरह के सांप, बिच्छू, गोयरे, गोए, और ये जानवरों के कारण क्या है, जो बच्चे खेल रहे हैं कॉलोनी में और हमारे घर के जो माता पिता बुजुर्ग लोग हैं उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कभी रात बेरात कभी वो कोई जानवर उनको काट ना ले और कोई क्षति ना पहुंच जाए। दूसरा इनके कारण क्या हो रहा है, ये रात में जो लकड़ियाँ पड़ी रहती हैं यहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा और ज़्यादा लगता जा रहा है। रोज 10-15-20 लोग यहाँ आते हैं, यहाँ गलत काम करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं रोज के रोज। कोई इसमें टिकट ची लोग यहाँ पे उनका रोज जमावड़ा चलता जा रहा है कि हमारा आप लोगों की आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि इसका निराकरण करा जाए ताकि ये जो अवैध लकड़ियां यहाँ पे पूरे आप देख रहे हैं ग्रीन पार्क कॉलोनी में पूरी हर जगह फैली हुई हैं, उसके कारण ये सांप बिच्छू निकल रहा है और उसके कारण हमारी जान को खतरा हो रहा है और इसके कारण क्या पूरी कॉलोनी का माहौल पूरा खराब होता जा रहा है। हमने अभी नगर पालिका में दिया है और अभी हम 181 पे भी हमने CM हेल्पलाइन में भी समस्या को बताया है और आगे चल के अभी हम कलेक्टर साहब को जनसुनवाई में भी एक आवेदन देने वाले हैं और CMO साहब को भी देने वाले हैं। खेलते रहे दिन भर, उधर से उधर घूमते रहेंगे, कीड़ा काटा यहाँ से लकड़ी हटे तो निकलते हैं वो तो, क्योंकि इसमें जहरीले जीव जंतु सांप गोह इत्यादि निकलते रहते हैं, कभी कभी घरों में भी घुस जाते हैं जिसके कारण हमें बहुत परेशानी होती है। वहीं रहवासियों ने CM हेल्पलाइन नगर पालिका में भी शिकायत की है परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। साथ ही साथ रहवासियों ने बताया कि शाम ढलते ही यहाँ पर असामाजिक तत्वों, शराबियों और नशा करने वालों का जमावड़ा शुरू हो जाता है जिसके कारण घर की महिलाएं निकल नहीं पाती। ये सभी लोग लकड़ियों के ढेर के बीच में ही बैठे रहते हैं। वहीं मन स्पेशल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि संभवतः ये लकड़ियां अवैध हो सकती हैं क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर रात के समय ही लकड़ियां ट्रैक्टर से आती हैं जो इनको लाने ले जाने का काम करते हैं। वैसे हमको बहुत समस्याएं यहाँ पर आती हैं, ये हमारा मन मनुष्य रूप से नशामुक्ति नर्सिंग होम है, यहाँ पर OPD चालू है, पेशेंट बाहर बैठते हैं और ये हम कई बार ये फ्लड वालों को भी बता चुके हैं, कैंट थाने में आवेदन दिया है, नगर पालिका में आवेदन दिया है आफ्टर लॉकडाउन के, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है, सांप बिच्छू वगैरह बहुत से यहाँ पे ऐसे विशाली जानवर वो घूमते रहते हैं जिससे बहुत प्रॉब्लम है। आप पीछे बैकग्राउंड में देखेंगे कितनी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये लकड़ियाँ दिन में कभी नहीं आती, ये रात में ही आती हैं और रात में ही चली जाती हैं। लकड़ी मालिक से भी हमने बोला है पर उन्होंने अभी तक कोई सुझाव नहीं दिया ना उन्होंने कोई कार्रवाई की कि जिससे ये हट सके। हम लोग यहाँ बहुत परेशान हैं, यहाँ पर 3 फैमिली रहती है और पेशेंट भी कंटिन्यू यहाँ पर आते जाते रहते हैं। इस संबंध में वन विभाग को भी जांच करना चाहिए। फिलहाल जो भी हो देखते हैं कि इस खबर के चलने के बाद प्रशासन इस ओर क्या ध्यान देता है जिससे हॉस्पिटल आने जाने वाले मरीजों एवं यहाँ के रहवासियों को इस समस्या से निजात मिल सके। गुना से दीपक रजक की रिपोर्ट।